और चलिए इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर प्रदेश में खुलने वाली है आयुर्वेद महाविद्यालय। 5 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रदेश में खुलने वाला है। आपको बता दें कि 250 बिस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय यहां पर स्थापित किया जाएगा। आयुष चिकित्सा सुविधाओं से यहां पर ये बढ़ावा दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें भोपाल से, जहां पर महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सागर, शहडोल, बालाघाट, नर्मदापुरम, मुरैना में इसको समर्थन दिया जाएगा। शिवपुर में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय का यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। प्रदेश में खुलेंगे आयुर्वेद महाविद्यालय। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है भोपाल से, जहां पर लगभग 70 करोड़ रुपए राशि की यहाँ पर स्वीकृति भी मिल गई है। सागर, शहडोल, बालाघाट, नर्मदापुरम, मुरैना में इसकी स्थापना की जाएगी। शिवपुर में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों की यहाँ पर स्थापना के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में आयुष महाविद्यालय खुलने वाला, आयुर्वेद का विद्यालय खुलने वाला है, 70 करोड़ राशि की यहां पर मंजूरी भी दे दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें तो बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसमें अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कई सारे जो है नए आयुष विद्यालय खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब ये तय किया गया कि हर संभागीय मुख्यालय पर कम से कम एक आयुष विद्यालय होगा। इसकी शुरुआत में हम देख रहे हैं तो जो है 5 महाविद्यालयों को फिलहाल मंजूरी दी गई है। इन 5 महाविद्यालयों में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जो है, जहां पर पहले से मांग की जा रही थी, वो एक आयुष विद्यालय खोला जाएगा। नर्मदापुरम के अलावा बालाघाट में, शहडोल में, सागर में और मुरैना में जो है एक एक जो है आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। और जिस तरह से अगर ये बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है श्योपुर जो है वहां पर भी मंजूरी की बात की गई है, जहां पर 50 बिस्तर का आयुष चिकित्सालय खोला जाएगा। तो इलाका भी साथ ही आयुर्वेदिक महाविद्यालय और एक 50 बिस्तरों का आयुष चिकित्सालय जो है वो इसी वर्ष स्थापित होगा, और इसके लिए जो है लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकार कर ली गई है। जी अनुराग, कब से इसका काम शुरू हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वीकार होने के बाद काम में कितनी तेजी होती है, और यही उम्मीद होनी चाहिए कि चूंकि अब राशि स्वीकार हो गई है तो काम 1 माह के भीतर जमीन पर नजर आने लगेगा। जी जी बिल्कुल अनुराग जी, हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। तो बता दें यहाँ पर मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है।